नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, आज भी हम एक पीएलसी की वीडियो लेके आए, एक इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, इंडिया की जितनी भी पीएलसी इंडिया में यूज हो रही होंगी उनकी सारी वीडियोस मैं आपको दूंगा। तो उस क्रम पे बढ़ते हुए चार वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी पीएलसी की दे चुका हूं अलग अलग मशीन्स की। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अद्भुत मशीन की, इंजेक्शन मोल्डिंग की, वन ऑफ द फाइनेस्ट मशीन कही जाती जिसे फेरोमेटिक मशीन की। तो हम आज मेलेक्रॉन की फेरोमेटिक मशीन पे वीडियो बनाया है हमने, हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। उसके पहले बता देता हूं कि जो पीएलसी की वीडियो होती इसमें जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है तो वो कैमरा जो हम यूज करते हैं या कैमरास पे उतना परफेक्ट नहीं आता है। फिर भी हम जितनी कोशिश कर पाए आपको दिखाने की उतनी कोशिश किया। वैसे भी परमिशंस वगैरह बहुत कम मिलती हैं पीएलसी की वीडियो बनाने की, तो हमने काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि फेरोमेटिक की पीएलसी के बारे में वो जाने, तो हमने भरपूर कोशिश की उन्हें उतना दिखाने की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लास्टिक की इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दीजिए और उसके अलावा बेल की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि आप बेल की घंटी दबाओगे तो वो आप तक हम कोई वीडियो डालेंगे एज अ नोटिफिकेशन आपको नोटिफाई कर देगा, तो आपको ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ेगी और सोचने नहीं पड़ेगी हम कब वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं मेलेक्रॉन की फेरोमेटिक पीएलसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको फेरोमेटिक की तरफ। तो फेरोमेटिक के बैक डायरेक्शन पे एक बटन होती है, ऑन ऑफ की बटन होती है, आप देख सकते हैं। जब बटन को हम अप करेंगे, अपर डायरेक्शन में पुश करेंगे तो हमारी पीएलसी ऑन हो जाती है, मशीन ऑन हो जाती है, और डाउन डायरेक्शन पे करेंगे तो पूरी पूरी मशीन पे जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाती है। वहाँ से ऑन करने के बाद पीएलसी पे जो ये इमरजेंसी रेड कलर का बटन होता है, इसको भी हम एक बार प्रेस करते हैं तो हमारी पीएलसी पूरी तरीके से चालू हो जाती। तो काफ़ी सिंपल पीएलसी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। एक एक फंक्शन वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, पहली मेन फंक्शन, मतलब कि मेंस पे आने के लिए F1 दबा देते हैं। इसमें सारे फंक्शंस एक साथ इसमें लिखे होते हैं, क्या क्या चीज़ें, ओवरव्यू, पूरे मोल्ड का ओवरव्यू क्या है, क्या मटेरियल चला रहे हैं, क्या मोल्ड चला रहे हैं, ये सारी जानकारी इस पे। फिर इजेक्टर एयर कोर्स, इंजेक्शन रिफिल, ये इंजेक्शन रिफिलिंग का पेज होता है। तो हम चलेंगे एक एक पेज के बारे में जानेंगे, अभी हम सिर्फ एक अपर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अभी हम सारे पेजों पे अंदर तक चलेंगे, F1 से लेके F8 तक क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए सारी बटनें, हेल्प, अलार्म, काफ़ी सिंपल फंक्शन है। इसके पहले जो मैंने आपको सुपर मास्टर की दिखाई थी उससे ये थोड़ा इजी है। सबसे पहली बटन हमारी मोल्ड क्लैंपिंग के लिए, जैसे जैसे बटन ब्लिंक करेंगी, हम बटन प्रेस करेंगे तो बटन ब्लिंक करेंगी तो वो फंक्शन एक्टिव हो जाता है। इंजेक्शन रिफिलिंग का पेज था, यहाँ से भी हम डायरेक्ट पेज इस मशीन पे, यहाँ से भी हम डायरेक्ट पेज तक जा सकते हैं। टेम्परेचर है, फीटिंग फीट के लिए है, फीट टाइमर, मतलब फीडिंग टाइमर कहते हैं जिसे, मटेरियल को फीट कराने टाइमर, ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू देखने के लिए, मोल्ड डाटा, स्मार्ट इनपुट आउटपुट के लिए कि इनपुट आउटपुट क्या चल रहा है हमारा। स्मार्ट इनपुट आउटपुट में होता है क्या कि इनसे हम सेट कर लेते हैं एरो से कि हमें क्या इनपुट आउटपुट देना, मतलब कि ये इस एक अलग फंक्शन होता है, इसी मशीन पे ज़्यादातर पाया जाता है। कस्टम सेटअप के लिए, प्रिंट कराने के लिए, पासवर्ड के लिए पेज है, प्रोडक्ट काउंटर, प्रोडक्ट काउंटर पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट काउंटर आ गया। बैच काउंटर क्या है, क्या प्रोडक्शन हो रहा, कौन सा मटेरियल चल रहा था, क्या टोटल काउंट है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाएंगी। पासवर्ड वगैरह उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी अपनी कंपनी की प्राइवेसीज होती हैं। वहाँ इनपुट आउटपुट डायग्राम है कि क्या हमारे मशीन में कौन सा फंक्शन इनपुट चल रहा है। ग्रीन कलर में जो होते हैं वो मतलब कि रनिंग फंक्शन होते हैं, ब्लू में वो फंक्शन सभी रुके होते हैं, तो जो फंक्शन वर्क करने लगता है उस टाइम ब्लिंक हो जाता है वहाँ पर। ये हमारा डाटा है, SPC कहते हैं जिसे, ये कैलिब्रेशन के लिए। कैलिब्रेशन जो है वो सेटिंग मोड पे होती है, कैलिब्रेशन का एक अलग टॉपिक ही मैं पूरा बनाऊंगा वीडियो पे तो आप समझ जाओगे। इसके बाद ये सारे कोर के फंक्शंस हैं, ये कोर्स के, ये एयर ब्लास्टर कहते हैं जिसे, एयर इजेक्टर सिस्टम, ये प्रिंटर स्क्रीन, और ये सेट वैल्यूज S1 से लेके S5 तक। ये फंक्शंस जो हैं ये सब सेटिंग मोड्स पे ही चलेंगे।
इन फंक्शंस का उतना बेसिक काम नहीं होता आपको सीख, जब आप सीख रहे हो ये सारी हाई क्लास इंजीनियरिंग में वर्क होती। ये मोल्ड ओपन मोल्ड क्लोज का आप सारा फंक्शन देख सकते हो। ये कोर्स के लिए बटन्स हैं। ये टनेज की बटन होती है, मोल्ड को मोल्ड पोजीशन सेट करने के टाइम इस बटन का यूज़ करते हैं। ये इजेक्टर रिट्रैक्ट, इजेक्टर फॉरवर्ड, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। और ये सर्विस, ये सर्विस जो बटन है वो इंजीनियर्स की उस पर है, अगर मशीन पे जब सर्विस वगैरह करनी होती। ये एयर ब्लास्टर्स हैं, एक्स्ट्रा एयर ब्लास्टर्स जो दिए गए हैं 1, 2, 3 सीक्वेंस पे। ये बैरल बैकवर्ड और बैरल फॉरवर्ड के लिए, ये प्लास्टिसाइज कराने के लिए मैन्युअली। उसके ऊपर सक बैक जिस पे लाइट जल रही वो सक बैक के लिए होता है, और ये इंजेक्शन के लिए बटन होती। उसके बाद ये कुछ कीज़ हैं, ये स्मार्ट आउटपुट और स्मार्ट इनपुट में ये एक्स्ट्रा एयर ब्लास्टिंग कराने के लिए हम इन फंक्शंस का यूज़ कराते हैं। बैक मेनू जाने के लिए कर्सर के बीच में बटन हुई बटन है किसी भी मेनू से बैक पे जाने के लिए। तो चलिए F1 मेन पेज पे देखते हैं क्या क्या है। तो इस पेज पे दिखाया जाता हमें क्लैंपिंग, इंजेक्शन, रिफिलिंग, ये सारी चीज़ें कि क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो एक्टिवेट हैं, क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे मेंस पे दिखेंगे। उसके बाद ओवरव्यू का पेज आता है। तो ओवरव्यू में क्या क्या होता है, ओवरव्यू में कंप्लीट ओवरव्यू होता है, जैसे मोल्ड डिटेल हो गया, ऑयल टेम्परेचर कितना चल रहा, पैनल का टेम्परेचर क्या है, सीपीयू का टेम्परेचर क्या है, कौन सा मशीन का वर्जन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती। नेक्स्ट आते हैं क्लैम के पेज पे। तो क्लैम के पेज में देख लीजिए ये क्या है कि पोजिशनिंग दी गई है 1 से 2, मोल्ड सेफ्टी दिया गया है, टनेज कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, स्पीड, प्रेशर, टाइम। उसके बाद उसके साथ साथ ऑटो टनेज, ऑटो टेनेज के बारे में, मोल्ड सेफ्टी और इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि डिटेल में समझ सके। यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल है इतने, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। फिर हाइड्रोलिक एजेक्टर है, हाइड्रोलिक एजेक्टर में सारी चीज़ें जितना भी मेंशन है, पोजीशन, स्पीड, प्रेशर, रिट्रैक्ट में क्या है, एयर इजेक्शन कैसे कराने, तो ऑफ है फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट के हिसाब से सेट करनी होती हैं। फिर कोर्स पे आ जाते हैं। कोर का फंक्शन क्या है, सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस AB पे अभी किस सीक्वेंस पे हमें चलाना है, क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कोर्स पे सेट कर लेंगे, कोर 2 जब कोई सेकंड कोर हो। अब आ जाते हैं फीड टाइम पे, मतलब फीडिंग टाइम पे, फीचर्स और टाइमर्स पे, जिसको कहते हैं फीड टाइम। तो फीचर्स क्या है, रिफिल, ओवररन, इजेक्टर वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। फिर मोल्ड गेट पे आएंगे, एक और फंक्शन है यहाँ पे नया, मोल्ड गेट। मोल्ड गेट जो है वो फंक्शन खुलता नहीं मशीनों पे ज़्यादा। अब इंजेक्शन रिफिलिंग के पेज पे एक बार वापस आते हैं। तो कूलिंग टाइम जो है वो 5 सेकंड्स का, इंजेक्शन ये देख सकते हैं, फिलिंग टाइम बता रहा, ट्रांसफ़र पोजीशन। जो इंजेक्शन का पेज है और रिफिलिंग का पेज एक ही है, मतलब कि प्लास्टिसाइजिंग और इंजेक्शन का पेज एक ही इसमें है। पैकिंग, होल्डिंग, होल्डिंग टाइम, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट करते हैं। बिल्कुल बेसिक होता है, कोई भी दुनिया की कोई भी PLC हो, आप सिर्फ PLC को देखिए, उनके फंक्शंस को समझना चाहिए कि एक एक फंक्शन का मतलब क्या होता है और एक एक लोगों का क्या मतलब होता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र पोजिशन का है, ट्रांसफ़र पोजिशन मतलब जो स्विचओवर पोजिशन होता है उसकी सेटिंग यहाँ पर होती है सारी। तो ऐसे भी मैं एक एक चीज़ की वीडियो बना चुका हूँ जिससे आपको काफ़ी इजी हो जाता है। ये देखिए इंजेक्शन यूनिट है, स्प्रू ब्रेक दिलाना होता है, स्प्रू ब्रेक मोड जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, कोल्ड स्लग रिमूव कराने के लिए, इंट्रूजन करने के लिए, ऑटो पर्च कराने के लिए, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे मेंशनड होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहीं पे टेम्परेचर के जोन्स भी मेंशनड हैं, जो हीटिंग जोन्स हैं। तो क्या क्या है उसमें, आपका देख सकते हैं नोजल का टेम्परेचर से लेके जोन 1 के टेम्परेचर से लेते हुए ऑयल के टेम्परेचर तक, फीडिंग जोन से लेके ऑयल के टेम्परेचर तक है। EZ में क्या होता है, ये सब ऑयलिंग के टेम्परेचर्स होते हैं हमारे। अब कोई फंक्शन में फंस गए, जैसे अलार्म आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कोई दिक्कत हो रही, तो आप हेल्प ले सकते हो यहाँ से, हेल्प बटन से। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल मशीन है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ ये हमने अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस बना लिए। ये इमरजेंसी की है, इमरजेंसी स्टॉपेज के लिए कोई फंक्शन में खराबी हो जाए। ये सेमी ऑटो स्टार्ट, ये मोटर स्टार्ट और मोटर स्टॉप के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी